कर लिया? नहीं कर लिया है? ये ग्राफ रिपीट कर रहा हूं मैं तुम लोग के लिए, क्योंकि ये काम आएगा बहुत गाइस। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को एक रिमाइंडर कॉल दिया था, और बोला था कि प्रॉपर्टी 5 पूरी कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद है? हाँ सर। और उसमें उसमें पहला ग्राफ इसी का बनाया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, है ना? और ये वाला ग्राफ था ये, अगर तुम लोग को याद है तो बोलना, अदरवाइज एग्री नहीं करना जबरदस्ती। ऐसा कुछ ग्राफ था, ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई। बोलो बच्चों, यही था क्या? हाँ सर, सही था। इसको रिपीट जरूर कर लेना, मतलब आई रिपीट इट वंस अगेन, इस ग्राफ का थियरी पार्ट रिपीट जरूर कर लेना। इस ग्राफ को याद करना बहुत आसान है राइट, लेकिन इसका थियरी पूरा याद रहना जरूरी है बच्चों। ये भी डालना जरूरी है, ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। आज का लेक्चर बार बार तुम्हें देखना पड़ेगा, बहुत यूजफुल लेक्चर है, पूरी कैलकुलस में यूटिलाइज होता है ये वाला लेक्चर। प्रॉपर्टी 5 तो पूरी होगी ना आज बच्चों। एक चीज बताओ मुझे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो चलो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम लिया था कि नहीं लिया था मुझे पता नहीं बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का वैल्यू क्या था? क्या? नो सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में दो ही तरह की लाइन है, या तो m इज इक्वल टू 1 स्लोप वाली लाइन, या m इज इक्वल टू माइनस 1 स्लोप वाली लाइन। सही है सुनो। यस सर। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? 0.10 से पास है, y इज इक्वल टू x इक्वल टू x। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? y इक्वल टू माइनस माइनस x। पाई माइनस एक्स, कम ऑन, स्लोप माइनस वन है। मतलब पाई कोमा जीरो से पास हो रही है और एम इज इक्वल टू माइनस वन है। लाइन का इक्वेशन निकाल लो, ये इक्वेशन आएगा। कभी भी एक बात ध्यान दे दो, जब कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो आराम आराम से करो, एक दो बार आराम से करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 100 पाई से जाने वाली लाइन का नाम क्या है? 100 पाई से 100 पाई से ये वाली लाइन ही जाएगी ना, मत देखना पड़ेगा सर। यस सर। अरे बाबा 2 पाई से माइनस 100 पाई इक्वल टू 100 माइनस सॉरी x माइनस 100 x माइनस 100 x माइनस 100 पाई इक्वल टू आएगा, एक्चुअली इक्वल टू x माइनस 100। अरे स्लोप पर आ जाएगा ना बच्चों? हां सर। यस सो 100 पाई होगा ना, 100 पाई सॉरी। बोलो बच्चों सही है? हां। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, sin इनवर्स ऑफ sin 1 निकालना है, तो sin इनवर्स ऑफ sin 1 निकालने के लिए ये पाई बाई टू से पहले आएगा ना? हाँ क्या आएगा ना वन का ही? हाँ सर, 57.3 डिग्रीज है। हाँ डिग्रीज में मत लो इसको, रेडियन में लो प्लीज। पाई बाई टू 1.57 समथिंग होएगा बराबर, तो वन तो इससे पहले ही आएगा ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। वन जब मैं यहाँ लिख दूंगा, बच्चों तो आपको पता ही है एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई इक्वल टू भी वन आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? वन आएगा ना? हाँ सर, हमने प्रॉपर्टी किया था ये बच्चों। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन टू क्या होएगा? टू यहाँ क्या आएगा ना? पाई माइनस। हाँ सर। इस लाइन पे लाई करेगा, तो एक्स की वैल्यू टू यहाँ डालोगे तो आंसर क्या आएगा? पाई माइनस। पाई माइनस टू। बराबर ना? और बच्चों अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन पूछेगा तब सर फिर देखना पड़ेगा कौन से लाइन पे। सुनो अभी 2 पाई हो गया 6 पॉइंट समथिंग, 3 पाई हो गया 9 पॉइंट समथिंग, बराबर ना? हाँ सर। यस सर। तो तुम्हारा ग्राफ जो बनेगा, अच्छा ये इससे तो पहले आएगा 3 पाई, ये जस्ट बाद आएगा, यानी इस लाइन पे आएगा 10। मानते हो बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, ये आएगा ना? यस सर। 3 पाई माइनस एक्स, और बच्चों एक्स का वैल्यू कितना है इधर? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स 10 डाल दो यहाँ पे, कितना आएगा? 3 पाई माइनस 10। बोलो जो समझ में आ गया, ये कहानी क्या है, आंसर कैसे लिखते हैं? हाँ सर। अच्छा अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा।
नहीं सब लोग से तो नहीं होगा, पांच छह लोग से हो जाएगा दिमाग लगाओगे तो। मतलब अच्छा क्वेश्चन का मतलब एकदम बिंदास क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1। It's less than pi minus 3. Find x. अच्छा मुझे बताओ ये जो मेरा मार्कर जिधर चल रहा है अभी, उसका रेंज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? है ना, इसका रेंज निकालने के लिए दो मेथड है ना, एक तो वाई लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। दूसरा वाला पता है सर। हाँ बस वही तो बच्चों, इसका रेंज निकाल के पता करो कि इसकी लोकेशन इधर किधर है, इधर किधर है, इधर किधर है, राइट। अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ बच्चों। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस ब्रैकेट में अगर 10 लिखा तो आंसर 3π - 10 होता ना। अब 10 की जगह मैंने ये रेंज लिख दिया तो इस रेंज का आंसर क्या आएगा, किस लाइन पे वो रेंज लाई कर रही होगी, वही तो देखना है। अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा और एक नई चीज आ जाएगी, इनइक्वालिटी बन जाएगी। ट्राई करो, दो मिनट का टाइम है, देखें सिखाना तो मुझे ही है। सर एक्स का रेंज आएगा ना? हाँ जिसको होगा उसको एंड्रेस करना है। ये आंसर जिसको आएगा उसको एंड्रेस करना है। One student have done it. That's it. कम नहीं किया यार, ठीक है लेकिन ट्राई करो। ये पूरा गेम रेंज का है एक्चुअली यहाँ पे। रेंज और पुराना लेक्चर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, कम से कम 1000 बार तो बोल चुका हूं मैं अभी तक। मतलब आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड, नोट्स जो है ना हमेशा दिमाग में होने चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन से जो भी पढ़ाया गया ना वो नोट्स दिमाग में रहेगा तो आईआईटी जाना तय, कोई रोक नहीं सकता तुम लोग को। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, बट मेरे सब्जेक्ट में तो क्योंकि मैं पूछते रहता हूँ तुम लोग से, नोट्स दिमाग में रहना चाहिए, पुराना नोट्स हमेशा याद रहना चाहिए। याद करो ये रेंज कैसे निकला था, ये क्लासरूम एग्जाम्पल है तो ये पता है। तो मैं वेरीफाई करता हूँ रेंज, ये रेंज आ रहा है क्या 2 to 4? हाँ सर 2 to 4। यस सर, यस सर। और 4 पे क्लोज है और 2 पे ओपन। 2 पे ओपन।
यस सर ये यस सर कोई बच्चे को रेंज में डाउट है क्या? अगर किसी को रेंज में डाउट है तो बोलो, मैं निकाल के देता हूं। चलो तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 to 4, सब लोग ध्यान देना, ये चीज सीखनी है जिनको समझ में नहीं आया। जैसे चार बच्चों को तो हो भी चुका है ये लेस देन पाई माइनस थ्री। तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 to 4 की जगह अगर कोई वैल्यू होती तो आंसर आ जाता ना फटाफट से, लेकिन वैल्यू नहीं है 2 to 4। तो 2 to 4 को लोकेट करो बच्चों इस ग्राफ पे किधर, 2 to 4 को लोकेट करो इस ग्राफ पे किधर। बच्चों 2 इधर कहीं है तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, और 4 किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा ना, हां सर। तो ये है ना, ये होगा ना कुछ भी 2 पाई माइनस 4 कैसे आएगा सर? पाई माइनस 4, हां पाई माइनस 4, पाई माइनस 4 भी नहीं आएगा बच्चों। ये इसको k ले लो, k इस पूरे को k ले लो, ये सर्कल लगा देता हूं उसको, इसको k ले लो sin इनवर्स ऑफ sin k। बच्चों ये जो k है के 2 और 4 के बीच में है बराबर, यही तो कर रहे हो तुम लोग, बताओ। यस सर। और बच्चों इस लाइन का नाम है कितना? पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह कौन आएगा बच्चों? के, के मूव कर रहा है इस लाइन पे बराबर, एक्स की जगह के आएगा बच्चों, से यस और नो? यस सर। तो बताओ इसको क्या लिख दूं मैं? ये के है, ये वाला के है, ये तो इसको मैं के माइनस 4 लिख दूं क्या बच्चों? ओ के माइनस पाई, सॉरी बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बाबा के इस रेड कलर लाइन पे है, रेड कलर लाइन का जहां भी कहीं के आएगा उसका नाम क्या बन जाएगा? पाई माइनस के बन जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन के इज नथिंग बट पाई माइनस के। ओके बच्चों ये पाई कट गया, के ग्रेटर देन 3 आंसर आ गया। K का वैल्यू कितना है? 2x² + 4 / x² + 1 > 3। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x belongs to 4 आता है क्या? वो ही K, मतलब 4 is greater than K is greater than 3 आता है। नहीं इसका सॉल्यूशन ये आता है, तो क्या पूछ रहा है यार सर? 4 भी तो है ना, between 3 and 4 डालना पड़ेगा ना, मतलब सर के का रेंज अपन ने पहले निकाला तो 2:4 आया ना। हाँ के का रेंज 2 to 4 आया, यस। तो सर अभी 3 to 4 होएगा ना अभी? हाँ सर, 3 to 4 आना चाहिए। अरे यार एक बात बता, इसका रेंज क्या है? इसका के रेड कलर लाइन पे ऐसे, यस सुनो, यस 2π/2 के बाद है और 4 3π/2 से पहले है। π/π/2 से पहले है ना तो k इसी लाइन पे लाई करेगा ना दूसरी पे तो नहीं जाएगा ना यस सर और इस लाइन का नाम क्या है π - x x की जगह आ जाएगा k तो ये π - k बन जाएगा ना तो sin इनवर्स ऑफ sin इज नथिंग बट π - 2x² + 4 / x² + 1 ऐसे ही तो बन जाएगा less than तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको वो कंडीशन में k less than 4 भी डालना पड़ेगा। हां सर वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन होगा ना, less than equal to 4 सर, दो रेंज हमेशा less than 4 आएगा, 2 रहेगा ना वो तो नहीं पड़ेगा, तो लेने की जरूरत नहीं है। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा, पहली बार ऐसा हो रहा है सर। वो बोल रहे हैं कि हम लोग को रेंज आया k between 2 and 4 ना, हां, और इधर हम लोग को एक दूसरा कंडीशन आया k greater than 3। अरे यार कुछ भी क्या है, ये बन गया ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन ये चेंज हो गया ना, भाड़ में जाने दो उसको, ये सब गलतियां क्यों कर रहे हैं, ये हटाओ इसको, ये लो, ये के वे कौन, किसने के घुसा दिया अभी? ठीक है सर जो भी के है अब बताओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ। हाँ सर, मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ? दिस इंप्लाइज दैट, बताओ। यस सर, इसमें x का वैल्यू निकालने में कौन सा कोई रॉकेट साइंस लगाना है यार? सर ये लोग बोल रहे हैं कि ये कंडीशन के अलावा हम लोग को ये 2x² + 4 / x² + 1 को लेस देन 4 भी डालना पड़ेगा, ये वो नहीं डालना पड़ेगा ना, नहीं डालना पड़ेगा ना सर, वही तो, क्योंकि रेंज उसका उधर तक ही है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हां ये चला गया, ये क्वेश्चन यहां पे यही बन रहा है बस, दैट्स इट।
अपन ने रेंज इससे पहले पहले लिया है सम, अब ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हाँ सर, यस सर। अच्छा तुम्हारा जो क्वेश्चन है मैं उसको इस तरह से करता हूँ। चलो बच्चों एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि k जो है जिसको k माना है ये इसको इरेज करूंगा मैं, बिलोंग्स टू 2 to 6 आ जाता राइट, तो बच्चों पता क्या होता, ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में टूटता। पहला पार्ट क्या होता बच्चों, 2 to 3π/2 के बीच में लेते हैं, लेते और फिर 3π/2 to 6 बच्चों यहां था ना 6 तो इससे पहले, हाँ सर उधर होगा, तो 2 to 3π/2 में पहला केस बनता और 3π/2 to 6 में दूसरा केस बनता, और दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करके यूनियन लेते थे आंसर का, सही है सुनो? यस सर, यस सर। यार बच्चों तुम लोग ठीक से पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन वैरायटी का ले रहा हूँ, वरना क्या ये तो होल सॉल्व हो गया ना, खत्म कहानी। अब एक बार बताओ ये रेंज बढ़ जाएगी तो उसके कितना भी बड़ा रेंज आए केसेस ले ले करके अलग अलग यूनियन सॉल्व कर लोगे ना बच्चों? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। बस क्वेश्चन खत्म। अब इस पे आईआईटी का सा क्वेश्चन पूछता, ये तो आरई का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आरई का नहीं है बच्चों, मेरे को ये याद नहीं है इसका रेंज क्या था, तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिख दिया एक्चुअली, है ना, मतलब रैंडम क्या, मेरे पीडीएफ में क्वेश्चन था तो मैंने उठा के ये डाल दिया, बाकी कुछ रेंज अच्छा वाला रेंज था जिसमें दो यूनियंस लेने थे यहाँ पे, अब वो क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा अभी क्या करूं। बच्चों एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स नहीं होता, ये तो पता लग गया ना? यस सर, एक्स लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कंडीशनल लेना पड़ता है, बराबर ना? यस सर। चलो बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आज इस पे लड़ाई भी बहुत सारी होगी अपनी, देखना आगे, अभी फिलहाल इसको अपन लोग इग्नोर करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, अगर मुझे ग्राफ बनाने के लिए इसी स्लाइड पे अपन लोग देखते हैं, अगर मुझे ग्राफ बनाने के लिए, ये किसका ग्राफ है वापस बोलो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको नंबर वन डालते हैं आज के लिए। नंबर टू बच्चों, अगर मुझे वो ग्राफ बनाने के लिए देता ड्रॉ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, बच्चों कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/sin x? बराबर है ना बच्चों, लिख सकता हूँ कंडीशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड कैन आई राइट बच्चों दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, याद है प्रॉपर्टी 3? याद करो cosec inverse 1/x is sin inverse of sin x, provided sin x not equal to 0। बच्चों ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसको ये लिख देंगे तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा ना बच्चों? सर यस, बराबर है? यस यस सर। अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है इस पे, ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस विल रिमेन सेम एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट जहां साइन एक्स जीरो बन रहा है वहां सर्कल आ जाएगा। बताओ साइन एक्स जीरो बनेगा तो एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, ये लिखना चाहिए ना? यस सर। तो ग्राफ कैसा बन गया? ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एन पाई पे होल्स बनेगा। लेकिन बच्चों हो क्या जाएगा पता है, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, सर्कल मजा नहीं आ रहा सर्कल बनाने में, अलग से बनाते हैं, ये ग्राफ नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे, बोलो क्या बोलते हो, ये किसका ग्राफ है? कोसेक इनवर्स, कोसेक एक्स। टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल, कोई लंबी चौड़ी कहानी कहनी नहीं थी इसमें, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। बराबर है बच्चों, किसी का माइक होना प्लीज ऑफ करो ना। अभी मैं म्यूट करूंगा यार। हाँ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ, किसी बच्चे को डाउट है क्या कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के ग्राफ में? सर आपने वो कन्वर्ट कैसे किया कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को साइन इनवर्स साइन एक्स? प्रॉपर्टी देख, अपनी एक प्रॉपर्टी थी ये वाली, cosec inverse 1/x is nothing but sin inverse x, x not equal to 0। अच्छा ओके ओके सर अंडरस्टैंड।
नोट्स तो बाद में बनाओ बच्चों, पहले सीखो आज। अच्छा लेकिन स्क्रीनशॉट डालते रहो, पुराना वाला सब काम आएगा ना आगे, स्क्रीनशॉट साथ में रहना चाहिए। तुम चाहो तो अपने इंडिविजुअल नंबर पर डाल लेना इसको, लेकिन स्क्रीनशॉट रहना, पहले तो एक ग्रुप पे डाल दो कोई। सर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान दो। बच्चों याद करो लास्ट टाइम इन तीनों फॉर्मूलेस पर बेस, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एक्सेट्रा, इन तीन फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने ग्राफ बनाया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, बराबर। तुम्हें अगर याद नहीं है ना तो आज से फिर इसको रिमाइंडर ले लो, नोट्स हमेशा रिवाइज करके क्लास में घुसना है, मजा आता है पढ़ने में। सब लोग ध्यान दो, ड्रॉ ग्राफ नंबर 3, ड्रॉ। बच्चों आज का लेक्चर एंड तक कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपरली, क्योंकि छूटा और छूटा गया फिर काम से। ड्रॉ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। सबसे पहले डोमेन बताओ बच्चों इसका, एक्स को कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा बच्चों इसका रेंज बोलो, चलो वाई का रेंज वाई का वैल्यू 0 टू पाई आएगा ना। अच्छा बच्चों पीरियोडिक है? बताओ बच्चों रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी हुई है? वाई पे लगी हुई है ना। यस सर। एक्स पे नहीं है ना, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फॉर्मूला क्या था इसका? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, क्या फॉर्मूला था? देखो तुम्हारा बन गया प्लस, तुम्हें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए नहीं, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए ना, तो प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स माइनस टू एन पाई। बच्चो ये प्लस माइनस राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस टू एन पाई आ गया। बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मॉड एक्स माइनस टू एन पाई? लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है? नहीं सर। क्यों क्यों क्यों? मॉड हटा दे, मॉड हटा दे, ये आ गया वापस, यहां से यहां तो जा सकता है ना, क्यों नहीं लिख सकता? इसके फंडामेंटल में कहां दिक्कत आ रही है बता? एक सेकंड सर, सोच आराम से, सोच, कोई दिक्कत नहीं है। पता है तुम झड़ा फसाद मुझसे बहुत करो, मुझे बड़ा, लेकिन लेवल पे ऐसे कुछ भी वन प्लस टू थ्री क्यों होता है ऐसे झगड़े फसाद नहीं चलेंगे। कंसेप्शनली तुम लड़ो मुझसे, मजा आता है। इसको यहां से यहां लिखने में क्या परेशानी आ रही है सर? ऊपर हर बार पे मतलब हर पे दो आएंगे ना आंसर, लेकिन नीचे एक ही आएगा। अरे y is equal to plus minus x minus 2n pi जो तूने लिखा है, right? यहाँ पे भी हर x के लिए दो y आएंगे कि नहीं? कोई भी x यहाँ डाल और फिर y निकाल, बता सेम आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी x randomly, कोई भी x यहाँ डाल और यहाँ भी डाल और y निकाल, बता दोनों जगह आंसर अलग आएगा क्या? हाँ सर सेम ही आएगा। तो लिख सकते हैं ना ऐसे? हाँ सर। हाँ बच्चों एक बात बताओ, cos inverse of cos x का ग्राफ, I repeat, cos inverse of cos x का ग्राफ और mod x minus 2n pi का ग्राफ सेम बनेगा, सही है? सुनो, हाँ सर, n belongs to set of integers। अच्छा सबसे पहले n is equal to 0 डाला, n is equal to 0 डाला तो क्या बन गया? y equal to mod x बराबर। एंड गाइस ये मैं इरेज कर रहा हूं, y इक्वल टू मॉड एक्स। बच्चों y का रेंज क्या था? 0 टू पाई था ना? हाँ सर। यस जीरो ना, तो मॉड एक्स का रेंज हो गया 0 टू पाई। तो बताओ x का रेंज क्या हो गया? माइनस पाई टू पाई। यानी cos inverse of cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए mod x का ग्राफ ड्रॉ कर दो, किस रेंज में बच्चों? माइनस पाई टू पाई।
इसके लेंथ बोलो, लेंथ क्या है? 2π। और इसका पीरियड कितना है? 2π। तो n की और कोई वैल्यू की जरूरत है क्या? नहीं सर, उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा। हो गया ना बच्चों, ग्राफ ही बन गया। देखो कितना मस्त ग्राफ बना, ये तो बहुत जल्दी से बन गया। ये स्लोप अपनी तरफ से देख लेना, थोड़ा कम बना दिया, इधर बनाना चाहिए था। ठीक है, जीरो। ये कितना है बच्चों? पाई। और ये कितना है? माइनस पाई। वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। बोलो बच्चों, अब इसको उठा करके 2π इंटरवल पे टिका दो, यहां ये वाला ग्राफ। इसको उठा करके -2π पे टिका दो। बोलो बच्चों, अभी रिपीट कर जाएगा। रिपीट तो यहीं पे हो गया ना, रिपीट तो मॉड एक्स बस इतना ही बनाना था, फिर रिपीट कर दिया ना। यस, बस मेन ग्राफ तो यही बना, इसके बाद तो रिपीट ही हुआ। बोलो बच्चों, ये कितना हो गया? 2π हो गया ना। हाँ, भाई कैमरा ऑन मत कर, ये मैं टैबलेट पे हूँ लेकिन देख लेता हूँ मैं। सर गलती हाँ, से ले लेता हूँ। -2π। अच्छा एक बार बताओ, ये भी सारी लाइंस ही बन रही है ना, इन लाइंस के स्लोप भी तो 1 और -1 ही है, बराबर ना? हाँ सर। इसमें भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व पूछेगा तो अपन बना ही देंगे ना। जैसे पूछेगा cos इनवर्स ऑफ cos 1, यहाँ आ जाएगा आंसर कितना आएगा? 1। बोलो बच्चों, 1 ही तो है, यहाँ पे 1 ही तो है ये। cos इनवर्स ऑफ cos 4, बच्चों 4 कहाँ आएगा? पाई के बाद, ये रहा 4। बोलो बच्चों, यही आएगा ना यहाँ 4। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, और पॉइंट क्या है? 2π माइनस है, 2π माइनस 2π। तो cos इनवर्स ऑफ cos 4, इस लाइन का नाम कितना आ जाएगा बच्चों? y इक्वल टू 2π माइनस x को 4 डाल दूं तो आंसर कितना आएगा? 2π माइनस 4। सही है सर? नो? यस सर, यस सर। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos 12 क्या आएगा बताओ? 12 कितना आएगा बताओ? 12 आएगा 4π से, जस्ट 4π से पहले की बात है, जस्ट पहले, जस्ट पहले 4π से, ये रहा 4π। 4π से जस्ट पहले का मतलब इधर 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 ही आएगा ना? यस सर, यस सर। इधर आएगा मतलब इस लाइन पे 4π माइनस x। बोलो बच्चों, आया नहीं आया? यस यस सर। कर सकते हो ना इस तरह के क्वेश्चन, इजी हो गए ना अभी बच्चों? यस सर, हां सर। ग्राफ नंबर 3, इस पे कितने ही क्वेश्चन करो फालतू, तो टाइम पास ही तो हो जाएगा, बराबर क्या? सही है सर? नो? यस सर, यस यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये ग्राफ बनाना हो तो बहुत आराम से बनेगा ये वाला ग्राफ, sec इनवर्स ऑफ sec x। सर सेम ही बनेगा लेकिन ऑड पाई बाय 2 के इंटरवल्स पे ओपन रहेगा, मतलब वेरी गुड, डॉट रहेगा। स्पीड इंपॉर्टेंट है, मतलब तुरंत आंसर देना वो इंपॉर्टेंट है, क्लिक करना चाहिए, फास्ट रिस्पांस आना चाहिए। दिस इज नथिंग बट sec इनवर्स ऑफ 1 cos x। अब जिसको नोट्स याद नहीं है उसको तकलीफें आती है यहाँ पे, सर क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं। और ये आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ cos x प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू cos x कैन नॉट बी 1 बाय 2 x कैन नॉट बी 2n π + 1 π / 2, बराबर है ना बच्चों? यस सर। तो बताओ ग्राफ क्या बन गया इसका? ग्राफ बच्चों यही बना ना, सेम सर्कल बाद में लगाते हैं, अभी रुको थोड़ा, बहुत पास पास बन गया। 0, 2π, 4π, -2π, -4π, अप टू 100, इस तरह से छोड़ देना चाहिए बच्चा। लेकिन ऑड पाई बाई 2 पे सर्कल लगेगा, बताओ ये सर्कल ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो बच्चों। अरे बाबा ये पाई है ना, पाई बाई 2 इधर आएगा, 3π बाई 2 इधर आ जाएगा, दोनों पे सर्कल मार दो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये cos इनवर्स की जगह अगर मैं sec इनवर्स डाल दूं तो आंसर सेम ही आएगा ना?
इन सारे कॉस इनवर्स की जगह अगर सेकंड वर्स डाल दू तो आंसर सेम ही आएगा ना सर, सेकंड वर्स sec x ना के हां सेकंड वर्स ऑफ sec x वही तो हां सर बट हां यस सर है ना सेम। अरे बाबा ये डिफाइंड होगा तभी तो क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हां सर वही वही तो सेकंड वर्स ऑफ sec कोई भी पूछेगा तो उसको तो डायरेक्टली कॉस इनवर्स लिख दो, कोई नो छेड़छाड़, मतलब एज इट इज लिख दो। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस सर यस सर। सर पर हमें वो ऑड पाई बाय टू भी देखना पड़ेगा ना सर। अबे तो वो पूछेगा ही नहीं ना यहाँ पे, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। हाँ सर ऑड पाई बाय टू अगर लिखेगा तो नॉट डिफाइन लिख देना ना। अच्छा ओके सर समझा, बराबर ना। बोलो बच्चों। यस सर। स्क्रीनशॉट लो जरा इसका फटाफट से डालो। देखो लेक्चर बल्की है, एक बात समझो, जब टीचर बोल देना पहले कि आज का लेक्चर थोड़ा बल्की है, मतलब थोड़ा दिमाग में घुसने में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, तो मान के चलो कि लेक्चर में मतलब क्या कंटेंट यूजफुल और थोड़ा सा बल्क वाला कंटेंट है, एकदम घुसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके जब तुम नोट्स बनाओगे ना तब तुम्हें जैसे किसी ऑर्डिनरी लेक्चर में एक घंटे में नोट्स पूरे बनते हैं, तो आज दो से ढाई घंटे लगेंगे, हर चीज को समझ समझ के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा काम आता है ये लेक्चर एक्चुअली, और घुसता भी थोड़ा आराम आराम से है। चलो बच्चों ये करूं क्या आगे चलूं क्या? था। हाँ बोल ना सर। अभी भी वो समझा नहीं आप 2 पाई माइनस 4 कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस x y इज इक्वल टू ये वाला क्या? हां सर। अच्छा बच्चा cos इनवर्स ऑफ cos 4 में 4 की लोकेशन ग्राफ पे ढूंढो पहले, मतलब x एक्सिस पे ढूंढो 2 पाई के पहले, ये पाई तो 4 यहां आएगा। Yes, sir. पाई 3.14 हो गया और 2 पाई 6.28 हो गया, तो 4 तो इसके बीच में ही कहीं आएगा। हाँ सर। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा? ग्राफ तो ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन का नाम क्या है? स्लोप माइनस 1.2π, 0 यहां से पास हो रही ना लाइन। Yes, sir. बस तो इस लाइन का नाम लिख दे y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, ये लाइन आ गई। ओके सर। इस लाइन पे x इक्वल टू 4 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई माइनस 4। बस यहां से देख देख के लिखो, x की लोकेशन x एक्सिस पे तलाश कर लो और y की लोकेशन के लिए लाइन का इक्वेशन निकाल लो, बराबर है? यस हां सर। कोई डाउट है अब भी तो वापस पूछ ले। ऐसे समझ गया, स्लोप से निकालो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आया क्या ग्रुप पे? आ गया सर। बच्चों ये जो है ये बड़ा इजी है, और उसके बाद वाला जो है ना वो तुम लोग को होमवर्क, तुम्हें पता है मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बीमारी सी दिमाग में लगती हो वो क्वेश्चन जनरली मैं इमीडिएट तो नहीं कराता हूँ, राइट? तो एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है वो होमवर्क में डालूंगा, ओके? और ये वाला मैं तुम्हें क्लास में करा रहा हूँ। कौन सा वाला? टेन इनवर्स ऑफ ग्राफ नंबर 5, टेन इनवर्स ऑफ 10x। बच्चों डोमेन बताओ। पीरियड बताओ बच्चों, पीरियड पाई। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, एन पाई प्लस एन पाई प्लस x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? x माइनस एन पाई। अरे ये तो मस्त हो गया, इसमें तो सारी लाइंस का स्लोप 1 ही आएगा, n की कोई भी वैल्यू डाल, बराबर ना? यस सर। पैरेलल लाइंस बनेंगी। से यस नो? यस यस सर। ये मार्कर भी एक जगह चलता चलता मर जाएगा बेचारा, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो लेकिन ध्यान से थोड़ा फास्टर रहो। बताओ बच्चों एन इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई कितना है? वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा वाई का रेंज क्या है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। एक्स भी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू हो गया। टेल मी। हाँ सर। यस पाई हो गया। यस पीरियड हो गया कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. N का वैल्यू दूसरा डालना है?
जीरो अच्छा ये पाई बाई टू है ये माइनस पाई बाई टू है अगला कैसे बनेगा रिपीट हो जाएगा सर एक और एन वैल्यू के लिए समझा सकते हाँ लिख ले एन इक्वल टू वन लिख यस एक्स माइनस एन पाई बन गया ना ग्राफ हाँ सर बस बनाती जाओगे अब गंदा बनेगा मतलब मैं तो पटांग और बना दूंगा थोड़ा बच्चों पता है ना अब रिपीट हो जाएगा ग्राफ बच्चों यस सर मतलब अब ये ऐसा जाएगा तो ऐसा चला जाएगा ये देखो डिस्टेंस देखो कितनी मस्त है जीरो से नहीं सेम ही लग रही है वैसे तो ये कितना हो गया टू पाई अच्छा इसमें ये तो टाइम पास हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन वन क्या होगा क्या ही निकालना है ना वन यहाँ कहीं आ जाएगा पाई बाई टू से पहले आएगा ना वन ही आ जाएगा है ना हाँ सर टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन टेन क्या आएगा बच्चों टेन कहाँ आएगा थ्री पाई के बाद ना थ्री पाई के बाद x माइनस थ्री पाई आंसर आएगा ना टेन माइनस थ्री पाई आएगा ना बच्चों अरे बाबा ये तो x माइनस एन पाई आता है ना बच्चों डायरेक्ट ही यस मतलब इसमें x के साथ पॉजिटिव नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं है जो यहाँ आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा उसके बाद में जो थ्री पाई या फोर पाई आना है वो आएगा हाँ सर क्या बोलते सही है सुनो यस सर हाँ अच्छा ये tan inverse of tan x क्या ग्राफ कुछ बहुत ऐसे टफ या वो टफ तो खैर कुछ भी नहीं है मैथ्स में कुछ टफ होता नहीं है प्रैक्टिस होती है जो प्रैक्टिस जिसका अच्छा है वो इजी हो जाता है बाय द टाइम राइट हाँ अंडरस्टैंडिंग एक बार बैठनी चाहिए अच्छा लेकिन इसका जो दूसरा आगे वाला ग्राफ है ना वो मस्त है ये वाला ग्राफ कुछ तुम्हें पता है ना cot inverse में वैसे भी थोड़ी तकलीफ है अपने पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा चक्कर आता है इसमें हाँ सर वो माइनस पाई पर जो पता है ये चक्कर क्या है ये जो जितने भी ब्रिटिशर्स की बुक्स लिखी हुई है ना उन सब में ये चक्कर जो ना माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू का वाला चक्कर पड़ता है बाकी रशियन ऑथर्स वगैरह ने जितने भी आईटीएफ पढ़ाया ना वो सब ने इसका रेंज जो ना वैसे ही किया जैसे अपन ने चार ग्राफ बनाया ना बच्चों पुराने वाले वही मतलब tan inverse of x को cot inverse 1 by x डायरेक्ट लिखा हुआ है उधर उधर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लेकिन अपन ये फॉलो करेंगे अपन यही फॉलो करेंगे तुम्हें याद है बच्चों tan inverse x को cot inverse 1 by x डायरेक्ट नहीं लिखते हैं पीस वाइज लिखते हैं x greater than 0 के लिए अलग और x less than 0 के लिए बच्चों क्या आता है पता है माइनस पाई प्लस cot inverse 1 by x ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्चुअली हाँ सर हाँ बच्चों ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और होमवर्क भी क्या है मस्त है होमवर्क देखो मुझे ये कंफर्म करके देना है तुम लोग को होमवर्क में कि इसका ये वाला ग्राफ बना कैसे जीरो पाई टू पाई थ्री पाई इधर भी बनेगा माइनस पाई ये वाला ग्राफ बनता कैसे है मतलब इसको ये वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे और वो भी पुराने ग्राफ की हेल्प से क्योंकि ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा भी नहीं है बच्चों cot x is equal to cot y पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मुझे पता है ना नहीं पढ़ा अब ये मत कर देना कि सर tan x equal to tan y कर लेते हैं क्या वही तो चक्कर है यहाँ पे कि नहीं कर सकते अरे tan x is equal to tan y करने में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस लेना पड़ता है ना बच्चों इनवर्स में अरे क्या यार तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में अरे इसको tan inverse में चेंज करेंगे बच्चों कैन यू हियर मी हां सर ऐसे कांस्टेंट फंक्शन की तरह क्यों पढ़ रहे हो यार tan inverse x को cot inverse में चेंज कर दे तो x पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आता है ना बच्चों यस सर अरे बाबा तुमने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर खत्म करते हैं लास्ट वाला लेक्चर पहले पढ़ लो ऐसे नहीं चलता ना सर याद है
सर याद है ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव का तुम लोग को याद ही नहीं है तो ये लेक्चर तुम्हें डाइजेस्ट होएगा ही नहीं आज, किसी भी हालत में डाइजेस्ट नहीं होएगा। बच्चों ये समझ में आया? ये तुम्हारा होमवर्क है, समझ में क्या है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हाँ इसके केसेस बना करके डील करना है। पूछोगे तब भी तुम लोग मुझे, ये गारंटी है। चलो अच्छा, तो ये तो कहानी का पहला पार्ट हो गया आज का, 6 ग्राफ हो गए। तो देखो इधर ध्यान दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से लेके और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स तक के ग्राफ, इनमें सबसे ज्यादा काम बच्चों ये 3 ग्राफ आते हैं। ये वाला काम आता है, ये वाला काम आता है और ये वाला काम आता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चों ये वाला काम आता है क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जिसको इसका थॉट समझ में आ गया ना, उसको आगे वाले ग्राफ बन जाते हैं। तब तुमको मैं प्रूव करता हूं कि ये वाला ग्राफ कैसे काम आता है। एक बार एक स्क्रीनशॉट जरा डाल देना बच्चों। जैसा मैं तुम लोग को इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट द लेक्चर कैन गो बल्की, नाउ द बल्की पार्ट स्टार्टिंग नाउ। If you guys are concentrating properly, I'm pretty sure you will enjoy the remaining part of the lecture. If you guys do not know the previous part or today's part, what I've explained, you guys are not going to accept the lecture. Bacho, if you guys have understood this, even this one, and you don't remember the past one, tab bhi it's fine for me. Guys, have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट है तो पूछ लो यार, क्योंकि फिर जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर यहाँ डाउट है तो फिर आगे कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं। और वही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कुछ और पढ़ा देता हूँ, राइट, पिछला लेक्चर रिपीट नहीं किया है तो, लेकिन ये समझ में अगर नहीं आया है तो आगे नहीं जा सकते। चले आगे? चलो ठीक है फिर, चलो आगे। लो हिम्मत करो सब लोग बच्चों। हालांकि क्वेश्चन देखने में लगेगा कि सर क्या क्यों पूछ रहे हो, बट ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब तुम ये मानो पूरी कैलकुलस, ये जो स्लाइड चल रही है पूरी कैलकुलस इस स्लाइड को बहुत रिस्पेक्ट देता है। ड्रॉ वाई इक्वल टू कम से कम 10 बार इसका क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 10 बार इसका क्वेश्चन पूछा गया पेपर 1 पेपर 2 में लास्ट 10 इयर्स में इस स्लाइड का, समझ रहे हो। इसको अलग अलग तरह से बदल के पूछता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। बच्चों कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि ये अंदर जो सर ने लिखा है, हाँ सर, हाँ सर, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन सर डालना शायद चाहते हैं। लेकिन याद करो मैंने तुम्हें डे 1 बोला था कि कभी भी एलजुब्रा हम जब किसी क्वेश्चन में यूटिलाइज कर रहे होते हैं ना तो डोमेन को सेक्रीफाइस कभी नहीं करते है, याद है? यस सर। तो बच्चों x को tan थीटा डालने के बाद थीटा पे तो रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हें पता है, क्योंकि x को tan थीटा का मतलब ऑड पाई बाय 2 tan इनवर्स x बन गया ना। बोलो बच्चों। यस। तो बताओ थीटा की रेंज क्या थी इसमें? -π/2 -π/2। अच्छा अच्छा बच्चों इंस्पिरेशन क्या है, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, इंस्पिरेशन क्या है? तो क्योंकि इससे sin 2 थीटा आता है फॉर्मूला। हां सर, सब हमने फिजिक्स में किया ही है। क्या ना अभी सुनो ना, अभी तो बहुत छोटा पार्ट है, स्टार्ट किया है। रुको रुको रुको, अभी कम से कम इसमें इस स्लाइड पे हम लोग को 1258, हाँ 130 इसी स्लाइड पे हो जाएगा। रुको अभी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तो नहीं होता ना? नहीं सर, कंडीशनल है ना, डिपेंड करता है ना। इधर बना देते हैं वो ग्राफ, छोटा बनाते हैं लेकिन बना लेते हैं, ऐसा था ना ग्राफ, और थोड़ा बहुत ये भी बना देते हैं। ये -π/2 था, ये π/2 था,
बच्चों ये क्या था, ये बताओगे? ये सो 3π/2 पता है पढ़ने का तरीका ये होता है, एक स्टूडेंट ने 3π/2 बोल दिया ना, सब लोग को सोचना चाहिए 3π/2 करेक्ट है क्या. हाँ करेक्ट है मतलब समझ में आ गया, समझ में नहीं आ रहा मतलब रुक जाओ सर, एकदम बोल दो सर रुको ना प्लीज, फास्ट जा रहे हैं थोड़ा ऐसे. बच्चों एक चीज बताओ, इस y को मैं 2 थीटा अगर लिख दूं तो 2 थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? -π/2π. ओए 2 थीटा हेलो -π/2 to π/2 अगर थीटा -π/4 to π/4 है बच्चों बताओ थीटा -π/4 से π/4 क्या है? थीटा को किधर से किधर तक जाना है? -π/2 से π/2 जाना है. हाँ इतनी रेंज कवर करना चाहिए, इतने सारे आंसर्स आने चाहिए इसके, लेकिन अभी इसी के बीच में है बचे हुए आंसर्स. बोलो बच्चों कौन से आंसर्स बचे हैं? π/4 से π/2 वाले बचे हैं और π/2 से और -π/2 से -π/2 -π/2 से -π/4 बचे हैं. बिल्कुल ठीक है ना, ये बचे हैं. ठीक है बच्चों मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आईटीएफ एंड में कराते हैं, मतलब पूरी कैलकुलस के बाद में. हर साल किसी भी बच्चे सीनियर से पूछ के देखना, नहीं लास्ट ईयर भी ऑनलाइन था ना तो मैंने कराया था, लास्ट ईयर भी मैंने पहले कराया था, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर से पहले किसी भी बच्चे से 10 साल पुराने बच्चे से पूछ लो. राइट आईटीएफ एंड में कराते हैं तो बच्चे मतलब जो अच्छा बैच है तो उसको एक बार रिस्क ले लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है. बच्चों एक चीज बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ को 2θ इस कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी एक नेक्स्ट वाली ब्रांच और लेनी पड़ेगी ना अभी अगर पाई बाई टू तक पहुंचना है तो. सही है सुनो. यस तो बच्चों इस ब्रांच का नाम क्या है? देखो मैंने पाई माइनस एक्स सो पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स ये वाली ब्रांच का नाम पाई माइनस एक्स है ना. यस बड़ा बनाऊं क्या ग्राफ, अच्छे से बनाऊं क्या इसको, बताओ. नहीं सर समझ आ गया. नहीं सर चलेगा. ये पाई माइनस एक्स तो बच्चों इसको मैं पाई माइनस 2θ लिख दूं क्या? 2θ है ना यहाँ पे. हाँ, 2θ का 2θ का रेंज कितना है बच्चों? सब पाई बाय टू टू पाई बाय टू टू और थ्री पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स टू कितना है बच्चों? सो पाई बाय फोर टू थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर बच्चों तुम्हें नहीं लग रहा एक्सीड कर गया ये? हाँ यस सर यस सर यानी इसको इसको थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा. थीटा किधर से किधर लेना पड़ेगा बच्चों? लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो इधर ही हम लोग को छोड़ना पड़ेगा. अच्छा बच्चों अब आगे वाली ब्रांच तो लेने की जरूरत नहीं है ना? नो अरे ये तो 3π/4 यहीं पे आ गया, इधर आगे नहीं लेना. लेकिन अभी तक भी ये -π/4 से π/2 तक ही कम्प्लीट हुआ है तो बच्चों पीछे वाली ब्रांच लेनी पड़ेगी ना एक. यस यस कौन सी ब्रांच बताओ कौन सी? सो -π/-x इस लाइन का नाम बताओ इस लाइन सम -π/-x m इक्वल टू -1 और पॉइंट है -π,0 तो लाइन का नाम कितना आ जाएगा? -π/-x पता है किसी को एक चीज होती है ऐसा यूनिफॉर्म अगर सारे लोग होते हैं तो सबको AR 1 ही होता था तो डिफरेंस तो है ही ना इसका मतलब. तो तुम लोग को कहीं भी तकलीफ आता हो ना बच्चों तो उस वहां स्टे कर लिया करो थोड़ा है ना और फिर आराम से सोच के फिर आगे बढ़ा करो. अभी नहीं कर सकते क्योंकि सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन बाद में नोट्स बनाते टाइम स्टे करो सीखो. फिर भी नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पूछो लेकिन समझ में आना चाहिए. बच्चों इसको क्या लिखूं? -π/-2θ का रेंज बोलो. 2θ का रेंज तो -3π/2 to -π/2 implies बच्चों यहाँ मुझे डायरेक्ट वैल्यू बोलो यहाँ वाली. सो -π/2 to -π/4 सो ओपन -π/2 to -π/4 हाँ π/-π/4 पे क्लोज.
तो माइनस पाई बाय फोर बराबर है. यस सर. यस सर. कोई कील बचा हुआ है. हाँ बच्चों हो गया क्या, ये काम हो गया क्या अपना पूरा? यस सर. है ना, देखो हो गया ना गाइस. मैं एक चीज की एश्योरेंस तुम्हें दे सकता हूँ कि अगर तुम ये सब समझ रहे हो ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आराम आराम से बनने जा रहे हैं. तुम्हें हो सकता है घर में, मतलब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को घर में इस पे अभी 10 मिनट में कर रहे हो, घर में एक ही घंटा सिर्फ इस स्लाइड पे देना पड़े, नो इश्यूज. लेकिन ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर कभी भी ये इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखोगे आंसर. बच्चों साइन इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट ये है, दिस ग्राफ इज इक्वलेंट टू दिस ग्राफ. लेकिन बच्चों y इन टर्म्स ऑफ थीटा थोड़ी बनाना है, y इन टर्म्स ऑफ x बनाना है ना. तो थीटा को x में चेंज करते हैं बच्चों, ये लिखा रहा यहां से. yes, तो बच्चों बताओ क्या बन गया. माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स. अच्छा अब सामने आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. थीटा माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, थीटा माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर माइनस वन टू वन. आराम से बताओ ना, थीटा माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, तो टेन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन, टेन पाई बाई फोर वन प्लस वन. बच्चों ये थीटा यहाँ डालो, वन टू पाई बाय, नहीं सर एक सेकंड, वन टू पाई बाय 1.57. अच्छा 10 पाई बाय 2 का डेढ़ा इनफिनिटी होता है. अच्छा हाँ सॉरी सर, मिस्टेक कर दी. राइट बच्चों. यस सर. और ये x belongs to next वाला क्या आ गया बताओ? ये माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन बराबर है. यस यस. बच्चों ये ग्राफ बनाने का मतलब मुझे ये ग्राफ बनाना है. बताओ बच्चों इन इस पूरे ग्राफ में टू टेन इनवर्स एक्स को ही तो उठा पटक कर रहा है वो. यस सर. इज डूइंग नथिंग बट इज मेकिंग द ग्राफ ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स एंड इज ट्रांसफॉर्मिंग इट. यस सर. राइट गाइज, इफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज दिस, हाउ डू यू ड्रॉ माइनस एफ एक्स? इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, ये करते हो ना? यस. इफ यू नो द ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, हाउ डू यू ड्रॉ टू टेन इनवर्स एक्स? डबल डबल, दिस इज पाई, एम्पलीट्यूड को ट्वाइस, दिस इज माइनस पाई. व्हाट डू यू से गाइस? यस सर. दिस इज टू टेन इनवर्स एक्स. ठीक है सुन रहे हो बच्चों? यस सर. यस सर. ओके ओके. Now, हाँ, please go ahead. The doubt था. हाँ बोलना. सब third case तू ले लो, अभी भी नहीं समझा. Minus pi minus two theta. इसका. यार मैं actually earphone पे नहीं हूँ, computer और इस पे laptop audio पे हूँ तो थोड़ा कम सुनने को मिल रहा है. थोड़ा loudly बोलना please. सब third case तू ले लो, minus pi minus two theta का. वो नहीं समझा. अच्छा बेटा अपने को range जो cover करनी है कौन सी करनी है? ये वाली range cover करनी है ना, बता. जब को x को 10 थीटा डालेगा तो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आना चाहिए. तूने पहला केस लिया ये, पहला केस लिया ये, दूसरा केस लिया ये. पता पहले और दूसरे केस में कौन सी रेंज कवर हुई? माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई टू कवर हुई अभी. यस. तो कौन सी रेंज बच गई बेटा इसमें? माइनस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई फोर बच, माइनस पाई बाई फोर बच गई ना. यस सर. इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, इधर वाला ये वाला ब्रांच लिया. ओके सर. राइट. सर एक डाउट था. बोलना. सर आपने एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा जब लिखा, अगर हम उसे टैन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करते तब तो थीटा की रेंज अलग आती ना? नहीं तुम लोग को याद नहीं है कुछ भी. तुम याद करो, तुम जब x tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा लिखते हो और जब थीटा का ये फॉर्मूला लिखते हो n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस अल्फा,
अल्फा में रेस्ट्रिक्शन डालते हो कि नहीं डालते हो? हाँ सर डालते हैं प्रिंसिपल है। बस सेम तो रेस्ट्रिक्शन वही कभी भी अच्छा वाई को जब एक्स स्क्वायर डालोगे राइट तो वाई पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है ना जीरो टू इन्फिनिटी। हाँ पॉजिटिव यस। हाँ तो रेस्ट्रिक्शन हमेशा साथ में लिखते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन होएगा ना तो उसकी रेस्ट्रिक्शन सामने लिख दो। एक्स को टेन थीटा डाला है तो थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में क्या होता है वो लिख दो और ये परमानेंटली दिमाग में याद रख लो पूरी मैथमेटिक्स के लिए जेई एडवांस तक यही याद रखना है और उसके बाद आईआईटी में ये कभी काम आता नहीं है बराबर ना। हाँ सर ठीक। कि एक्स को टेन थीटा एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वही लेना है बच्चों बराबर है क्या? यस सर। सर मैं सोच रहा था वो रियल माइनस पाई बाय 2 वो तो सोच तो सही रहा है लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच ही लेते हैं ये डे वन से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहे यूटिलाइज नहीं कर रहे वो बात अलग है। बच्चों आराम से ये स्लाइड देख लो ये जितना अभी तक हुआ है क्योंकि ये आगे अब तभी अच्छे से बढ़ पाएगा जब ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। नंबर थ्री केस नंबर थ्री किसी को चाहिए तो एक काम करो जल्दबाजी नहीं करते किसी को चाहिए तो नोट्स बना लो ताकि नोट्स बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना है। ये रिस्क नहीं ले सकते ये मैंने सारे बैचेस में थ्री ईयर में मैंने करा दिया है फ्लैगशिप में मैंने करा दिया है। फ्लैगशिप में तो बुकलेट भी पूरी हो गई है और थियरी तो खैर पूरी हो ही गई है राइट और थ्री ईयर में बुकलेट अभी बची हुई है तो नेक्स्ट लेक्चर में बुकलेट खत्म हो जाएगी। तुम लोग का अभी ये यहाँ पहुंचा है तो नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा फिर बुकलेट सॉल्व कर देना। सर चैप्टर खत्म नेक्स्ट लेक्चर? हाँ नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइडेड आज का लेक्चर तुम्हें जम जाए क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम निकल गया ना तो पुराना लेक्चर याद नहीं मुझे लग रहा है आज मतलब पहली बार नहीं बोल रहा हूँ ऐसा दो तीन बार हुआ है कि कभी दस पांच सात दिन का गैप आ जाता ना लेक्चर में तो पुराना लेक्चर याद नहीं है तो फिर नए लेक्चर में तकलीफ आती है कभी कभी वो आज का लेक्चर में है मुझे लग रहा है। हाँ सर थोड़ा मैं ऐसे अननेसेसरी वेरी गुड तो बोल नहीं सकता ना आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें पुराना वाला लेक्चर तुम देख के नहीं आए हो। बच्चों एक काम करो टेंशन मत लो ज्यादा इसके नोट्स बनाना शुरू करो यहाँ से स्लाइड वन से और जो डाउट हो ना वो डाउट पूछो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू और पुराना लेक्चर पूरा रट के आओ नेक्स्ट टाइम। ओके सर अपन डेढ़ घंटे के दो घंटे पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम डाउट नहीं लेंगे आज डाउट ले लेते हैं आज जो लेक्चर हुआ उसके डाउट्स ले लेते हैं लेकिन नोट्स बनाओ ताकि टेंशन ना रहे समझ रहे हो? हाँ और मेरे को ये गारंटी हो रहा है पता है मैं यहाँ रिस्क क्यों नहीं ले रहा हूँ तुम्हें एक चीज बताता हूँ चलो रुको थोड़ा कम समझ में आया तो चलेगा। बच्चों एक चीज बताओ सब लोग ध्यान देना अगर वो ये क्वेश्चन पूछे जो कि पूछा हुआ आईआईटी में फाइंड d by dx of sine inverse 2x upon 1 plus x square at x equal to root 3। बच्चों ये तो करने में पूरा दिन लग जाएगा है ना तो ये तो करेंगे नहीं। बताओ x equal to root 3 इन तीनों में से कौन सी ब्रांच को कवर कर रहा है? बच्चों सर सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच को कवर कर रहा है ना तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे ना d by dx of pi minus 2 tan inverse x। बोलो बच्चों सही है सुनो। यस सर। ऐसा लिखने का मतलब at root x equal to 3 है बाद में डालेंगे पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर डालेंगे। बच्चों पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा? सर जीरो। जीरो माइनस बच्चों 2 इसका फॉर्मूला याद है तो ठीक है वरना मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है ये बड़ा इजी है राइट ये टफ है लेकिन ये बड़ा इजी है थ्रू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसी को भी जल्दी से आ जाएगा राइट ये अभी याद नहीं है तो रहने दो याद करने की जरूरत भी नहीं है एट एक्स इक्वल टू रूट थ्री। बच्चों अब एक्स इक्वल टू रूट थ्री डाल दो इसमें कितना हो गया? माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू। बच्चों तुम्हें पकड़ में आया इसका डेरिवेटिव निकालना अपने आप में आसान काम नहीं है बहुत टेंशन लेना पड़ता है राइट लेकिन अगर ये मेरे को ये बाइफरकेशन याद है तो मुझे ये जल्दी हो जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन तो सबसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये डाला ये सबसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन मैंने डाला है जो आईआईटी पूछता है ठीक है इस पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अगर तुम्हें ब्रांच बाइफरकेशन समझ में नहीं आएगा
तो तुम ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फंसोगे, राइट। हम लोग आईटीएफ एंड में जब कराते हैं ना, तो हर चैप्टर में सर्कल मार्क करवा देते हैं, यार ये छोड़ दो क्वेश्चन, एंड में करें ऐसे, लाइक दैट, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को इस जगह में एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते एक्चुअली। सर एक डाउट था। हाँ बोलना सर। आपने वो डिफरेंशिएशन कैसे किया टैन इनवर्स एक्स का? यार बेटा टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, इसको अभी एज अ फॉर्मूला याद कर सकता है, और तो क्या कर सकता है। अच्छा सर, हम बाद में करेंगे फिर तो चैप्टर। हाँ चैप्टर है ना आगे। अभी पता है सबसे बड़ा चैप्टर था तुम लोग का कौन सा? फंक्शन। ये सबसे बड़ा चैप्टर पूरी कैलकुलस का, सबसे बड़ा चैप्टर फंक्शन। उसके बाद में लिमिट 3 लेक्चर में खत्म, कंटिन्यूटी 2 लेक्चर में खत्म, डिफरेंशिएबिलिटी 2 लेक्चर में खत्म, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 2 लेक्चर में खत्म, 3 लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तुम सोचो 2-3 वीक में इतने चैप्टर खत्म, यानी 4 बुकलेट हो जाएंगी एकदम से खटाक से, और उसको कितने दिन से किया। फिर बड़ा चैप्टर आएगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पूरा कैलकुलस लिख रहा हूं। फिर बड़ा चैप्टर आए, सबसे बड़ा चैप्टर ये नंबर 1, मतलब इसको ए नाम दे दो, ये बी ग्रेड हो गया। सेकंड बड़ा चैप्टर ये है, और बच्चों थर्ड बड़ा चैप्टर जो ना ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस है। और बच्चों उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है इंट्रोडक्शन पूरी कैलकुलस का। इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। बच्चों फिर सबसे बड़ा चैप्टर जो आएगा ना, वो ये आएगा सी। बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत कम कम टाइम लगता है, 3 से 4 लेक्चर हर एक टॉपिक में लगते हैं, इससे ज्यादा किसी भी सूरत में लगता। ये तो बच्चों 2 लेक्चर में 100% खत्म हो जाएगा, राइट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से आते हैं आईआईटी, सबसे ज्यादा मिनिमम 3, और 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वेटेज वाइज देखोगे ना बच्चों, वेटेज वाइज आईआईटी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो वेटेज वाइज *1 सबसे ज्यादा वेटेज, ये *2 सबसे ज्यादा वेटेज, इन 2 चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा आईआईटी में, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो, राइट। तो अपन जो चल रहे हैं, जरा देख के बताओ बच्चों कहीं पे भी आईटीएफ लिखा हुआ है क्या, बताओ? नहीं सर, नो सर। नहीं लिखा ना, इसका मतलब आईटीएफ एक्चुअली हर चैप्टर में पूछता है वो, आईटीएफ हर चैप्टर में क्वेश्चन है इसका, लिमिट में भी है, कंटिन्यूटी में भी है, फंक्शन में भी है। अपन ने किया नहीं वो बात अलग है, लेकिन फंक्शन के बुकलेट में मिलेगा एक आध क्वेश्चन इसका, और जो मैं एक्स्ट्रा शीट दूंगा उसमें तो गारंटीड मिलेगा, और बहुत खतरनाक खतरनाक सम्स मिलेंगे इसके आईटीएफ के, राइट। बच्चों आईटीएफ जो है ना, इसको यहां कराते हैं हम लोग, इसके बाद ताकि बच्चों को ट्रबल नहीं आए। जैसे उसने पूछा ना कि सर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जब आईटीएफ कराते हैं तब नहीं पूछेगा ना, क्योंकि ये यहां पे पूरा कर चुका ना वो चैप्टर बच्चों। हाँ सर। हाँ इसलिए एंड में कराते हैं, क्योंकि आईटीएफ में हर तरह का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन तुम लोग जा रहे थे ठीक से, मैंने कहा 3 ईयर में करा दिया और फ्लैगशिप में करा दिया, तो यहां भी करा सकते हैं ना। चलो बच्चों नोट्स बनाओ फटाफट से, पहले तो एक स्लाइड्स डाल दो उस पे उठा के। सर आपने बोला था लेकिन आपका जो वागड़ का बात था, आप नॉर्मली पीडीएफ अपलोड कर सकता है क्या स्लाइड्स की? अरे यार कोई बना रहा है ना पीडीएफ, हर बार डालता है ना कोई, तो आज मैं डालता हूं एक मिनट। कोई कुछ पूछ रहा था वागड़ के लिए। हाँ सर आपने बोला था कि आपके वो वागड़ के बाद के लिए आप नॉर्मली 11 लेक्चर्स लेते थे वो लिमिट्स के लिए। 11 लेक्चर्स? हाँ सर ऐसे ही कुछ बोला था आपने, लेकिन उन्होंने बोला उल्टा। मैं बताता हूँ क्या बोला था, रिकॉर्डिंग में लेता हूँ उस चीज को, सुनना फिर आराम से। हो गया क्या पीडीएफ इसका? अच्छा इसके सारे स्क्रीनशॉट आए क्या? अरे यार आया ना, मैं जवाब तो दे दो। नहीं सर सब नहीं आया।
कि दोनों लेक्चर, जो लास्ट वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर कंबाइन करके पढ़ के दिमाग में बिठाओगे ना तो ये लेक्चर मस्त हो जाएगा। और ये नेक्स्ट टाइम बच्चों सब दिमाग में बैठा करके आना, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। चलूं ये वाला भी ले लो, तुम्हें एक आइडिया रहेगा सिलेबस का क्या है, एबीसी क्या है, वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, स्टार वन स्टार टू, ये दो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं आईटी के लिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक चैप्टर ये स्टार थ्री, सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे कम ये और उससे कम ये। वैसे स्टार थ्री यहां लगाओ, टू यहां करो, ऐसे है ये चक्कर। मतलब ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर तीन ही है देखा जाए तो, देयर आर थ्री चैप्टर्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टार, ये रेड स्टार मतलब वेटेज ज्यादा है इन चैप्टर्स का। हाँ, अब जो कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था वागड़ के लिए, वहां उल्टा था, वहां मुझे बच्चों ने पकड़ के बोला सर ये चैप्टर आपने हम लोग को ऐसा कराया है कि सारी थ्योरी आपने पढ़ा दी, अब बुकलेट में डाउट ही नहीं आ रहे। राइट, आई एम टॉकिंग फोर इयर्स बैक, राइट, और वो बैच था मीर और समद कोयटा ऐसे कुछ बच्चों का, वो पूरा बैच क्वालिफाई किया था, राइट, मतलब सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे और सारे बच्चे अच्छे रैंक्स में सेलेक्ट हुए थे। ओके, वो पूरा बैच इधर के बोला कि ये सब कुछ आप ही ने करा दिया है तो हम लोग को डाउट ही नहीं आ रहा इधर में, तो कुछ छोड़ो तो सही जहां स्ट्रगल करना पड़े। तो बच्चों ने बोला कि लिमिट सर आप कितने लेक्चर पढ़ाने वाले हो, मैंने कहा थ्री मिनिमम फाइव मैक्सिमम। तो बच्चों ने बोला दो लेक्चर में करा दो, मैंने कहा एक में करा दूं, तो बच्चों ने बहुत खुश, सारे खुश, यस सर एक में करा दो, ब्रीफ कर दो थियरी का फिर हमें करने दो। एक लेक्चर में उन लोगों ने, जैसे आज मैंने पढ़ाया तो फिर नेक्स्ट वीक जाना है मुझे पूरे एक वीक के बाद। नेक्स्ट वीक जब गया तो उस एक लेक्चर के बिहाफ पे पूरी बुकलेट सॉल्व, राइट, और फिर तीन घंटे लगातार डाउट्स डिस्कस हुए। डाउट ज्यादा आया उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बच्चों ने डाउट्स जो पूछे ना उसके बाद बच्चों ने बोला सर इसमें कुछ डाउट है ही नहीं, बचा ही नहीं है, आप कोई भी शीट दे दो सॉल्व हो जाएगा। तो हिम्मत क्या, मेहनत किया ना बच्चों। मैं सिर्फ एक ही बात सब बच्चों को, जो स्पेशली जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो लेट समझ में कुछ बच्चों को आती है कि तुम्हारी मेहनत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा मतलब योर स्ट्रगल गिविंग यू मच बेटर रिजल्ट्स एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ टीचर इज गिविंग यू सम हिंट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दैट स्पॉइल्स द रिजल्ट एक्चुअली। लेकिन अभी यहाँ ऐसा कर नहीं सकते, वो बैच, दैट बैच वॉज वेरी स्मॉल बैच ऑफ 23 स्टूडेंट्स एक्चुअली, राइट, एंड वी कैन एक्सपेरिमेंट इन दैट पर्टिकुलर बैच, हियर वी कांट। इट्स अ good batch, no doubt about it, but it's a big batch, you can't experiment here, so we'll take 3 to 5 lectures here, right, 3 to 4 lectures, not 5 is not needed here, but 3 to 4 lectures here, but I will not do everything in this chapter. Matlab problem solving techniques to I always avoid to give the good results, because you need to find that, not me, and then we will discuss the doubts, then we can discuss the strategies. Concept you should understand. So, bacho, go through the notes. If you have doubts, I am stopping the recording now.